दोस्तों, बचपन से हम और आप सुनते आ रहे हैं कि नाखून चबाना यानी कि नेल बाइटिंग बुरी आदत है, लेकिन क्यों है ये कभी ने किसी डीपली नहीं बताया। लेकिन ये हर किसी को पता जरूर है कि इससे बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती है और हेल्थ को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है ये बात किसी ने नहीं कही है। तो आज के इस वीडियो में हेल्दी हेल्थ बताने वाला है कि नेल बाइटिंग यानी कि नाखून चबाने से कितने सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि नाखून चबाना एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसको समय रहते हुए नहीं रोका गया तो ये आदत हमारी रूटीन में ऐसे शामिल हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने अपने नाखून को चबाना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि दुनिया भर में 30% आबादी नाखून चबाने की आदत से ग्रसित हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि नाखून चबाने से कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। हेल्थ के मुताबिक नेल बाइटिंग की वजह से यानी कि नाखून चबाने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे चेहरे पर रेडनेस, सूजन ये सब हो सकते हैं। और यही नहीं, कई बार तो नाखून के नीचे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वह बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं और बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है। ऐसे में बैक्टीरियल दवाओं की जरूरत पड़ती है। इतना कष्ट सहने से बेहतर है कि आप नाखून चबाना छोड़ दीजिए। जब हम मुंह के अंदर लगातार नाखून ले जाते हैं तो पैरानेसिया जैसी कई बैक्टीरिया शरीर में जाकर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं और हाथ पैर के जॉइंट को प्रभावित कर सकते हैं। इसे सेप्टिक ऑर्थराइटिस भी कहते हैं, जिसका इलाज आसान नहीं है। यही नहीं, ये परमानेंट डिसेबिलिटी का कारण भी बन सकता है। अगर आपको भी नेल बाइटिंग करने की डेली आदत है तो इसकी वजह से नाखून के अंदर के टिश्यू खराब हो सकते हैं, जो परमानेंट डैमेज कर सकता है। कई बार इस हैबिट की वजह से नाखून बढ़ना बंद हो जाते हैं। अगर ये समस्या एक बार हो गई तो इसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये भी पाया गया है कि लोग के नेल बाइटिंग करने से उनके सामने के दांतों में कई तरह की समस्या आ जाती है। इसकी वजह से दांत टूट सकते हैं, दांतों में दरारें भी आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाखून चबाने की आदत से अगर मुंह में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो यहां से बैक्टीरिया पेट तक पहुंच सकती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से पेट में दर्द और दस्त की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।